हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आप के साथ आज मैं बात करने वाली हूं आंखों के बारे में। आपकी रोशनी कम होना, चश्मा लगना आजकल एक आम बात हो गई है। चश्मा क्यों लग जाता है? एक एज प्रॉब्लम तो है कि एक एज के बाद 40-50 के आप हो गए, चश्मा लग गया, नजर कमजोर हो गई, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी उम्र में चश्मा क्यों लगता है? इसके कई सारे कारण हैं। नंबर वन तो लाइफस्टाइल, नंबर टू आपका है कि काम करने का तरीका, क्योंकि आजकल का सारा काम कंप्यूटर पर हो गया। बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाते कंप्यूटर कंप्यूटर, और उसकी जो रेंज है वो आंखें खराब करती हैं। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, और मैं देखती हूँ कि ट्रेवल करते हुए भी मेट्रो में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और फिर अपने मोबाइल को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। जब आप ट्रेवल करते हैं और साथ में मोबाइल देखते हैं, उस टाइम आपकी आंखों के ऊपर 10 गुना बुरा असर पड़ता है। नॉर्मल आप देख रहे हैं उससे 10 गुना बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी मूवमेंट हो रही है, और वो आपका जो हाथ में फोन पकड़ा वो भी हिल रहा है, और वो आपकी आपके आंख उसमें गड़ा के आप देखने की कोशिश करते हैं, वो आपकी आंखों को खराब करता है। आजकल की फूड हैबिट्स, बच्चों को सब्जी खाने को कहो तो नहीं है, उन्हें तो नहीं चाहिए, उन्हें तो पिज्जा चाहिए, उन्हें तो बर्गर चाहिए। तो ये जो सारी चीजें मिल मिला के आंखों को खराब करने का कारण बनती। आज मैं बात करूंगी वो चश्मा ना लगे या लग गया है तो उतर जाए, उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और वो प्रिकॉशंस हमें उस चश्मे से बचा सकती हैं। जैसे सुबह उठ के तांबे के बर्तन का पानी पिए। आयुर्वेद कहता है कि तांबे के बर्तन का पानी आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप सुबह उठने के बाद तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी अगर उससे अपनी आंखों को स्प्लैश करते हैं, मुंह में पानी भर लिया और इस तरीके से उस तांबे के बर्तन के पानी से अपनी आंखों पे छींटे मारने, आंखें हल्की सी खुली हुई रखनी है, बिल्कुल बंद करके ऊपर नहीं मारना, हल्की सी खुली हुई रखनी है, और आपने धीरे धीरे छींटे मारने हैं इस तरीके से। तो ये वो पिया हुआ पानी आपको इंटरनली ठीक करेगा, और ये पानी स्प्लैश जो किया है वो आपकी आंखों को साफ रखेगा, और ये आपकी आई साइट को बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा। दूसरा टिप है कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, कोई चारा नहीं है उसके सिवा, तो आपको काम करना ही है, तो आप 30-20-30 का एक फॉर्मूला अपना लें। 30 मिनट्स आपने कंप्यूटर पर काम किया है तो उसके बाद आप अपना नजर वहां से हटाएं और 20 फीट दूर तक खाली जगह में देखने की कोशिश करें। खिड़की से बाहर देखें, दरवाजे से बाहर देखें, और 2-3 मिनट देखने के बाद थोड़ा सा और दूर देखें, और फिर वापस अपना काम शुरू कर दें। तो ये जब आप एक फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपकी आंखों को रेस्ट मिलेगा। फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जब आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, आपकी आंखें थकी हुई लग रही हैं, तो अपने हाथों को ऐसे रब करें और ऐसे कप बना लें, आपकी हथेली का कप बना लें, और ये अपनी आंखों पर रखें। इससे जो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर से जो सिकाई आंखों को मिलेगी, वो आंखें बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगी और थकी नहीं होंगी, तो उनमें आई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आजकल सर्दियां शुरू होने वाली हैं, आंवले का सीजन आ गया है। आंवला आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और सिर्फ आंखों के लिए नहीं आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप 2 आंवले रोज खा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे और आपकी आईसाइट बहुत तेज हो जाएगी। कच्चा खाते हैं तो बहुत बढ़िया। मार्केट में आजकल बहुत कुछ मिलता है, जैसे मुरब्बा मिलता है, जैसे कैंडी मिलती है, मैं वो प्रिफर नहीं करती हूँ। वैसे खा सकते हैं, नुकसान नहीं है उसमें भी, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ आंवला घर में कैसे कच्चा खाया जाए, चटनी बना के खाया जाए या इंस्टेंट अचार बना के खाया जाए। आंवले का अचार, इंस्टेंट अचार और आंवले की चटनी, दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पर है, और वो दोनों ही रेसिपी ऐसी हैं जो बनाने में तो आसान है, लेकिन आंवले के 100% गुण जो है, 100% बेनिफिट आपको देती है, उसका 1% बेनिफिट नुकसान नहीं होता है। जबकि आप कैंडी वगैरह खाते हैं ना, तो उसको उसमें आपको कम मिलते हैं बेनिफिट। नंबर 4 पर आता है कि आप गन्ने का जूस पिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार आप गन्ने का जूस पिए, उसमें फॉस्फोरस काफी मात्रा में होता है, उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफी होता है, और उस गन्ने के जो 1 गिलास गन्ने के जूस में 1 नींबू निचोड़ लें तो आपको सिट्रस भी चीज काफी मिलेगी और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी काफी मिलेगा। ये भी चीजें आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है और साथ साथ में आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी। अगर हो सके तो जब ओस गिरती है
उस टाइम पर हरी घास पर नंगे पांव चले। लेकिन ये चीज शहरों में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन जहां मिल जाए, जहां आप रहते हैं, अगर वहां पर घास है और तो जब ओस गिरती है तो नंगे पांव उसमें चले। अगर आप डेली एक छोटा चम्मच सौंफ, दो बादाम और एक छोटा चम्मच या एक छोटा सा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसका चूर्ण बना के खाते हैं तो वो भी आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको बना के रख भी सकते हैं, आप 10-12 दिन का एक बार बना दिया, यानी कि करीब 50 बादाम आपने ले लिए, उसमें 20 ग्राम के करीब मिश्री ले ली और 20 ग्राम आपने सौंफ ले ली, उसको पीस के रख लिया, जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद एक चम्मच वो खा लिया, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपकी जो आंखों की रोशनी वो भी तेज होगी। हाँ, जिनको अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो वो मिश्री को कम कर दें। अगर आपको सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप जीरा और मिश्री को भी मिला के खा सकते हैं, ये भी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जीरा वैसे भी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, जीरा उनके लिए भी अच्छा होता है जो लैक्टेटिंग मदर होती है, यानी कि जो मदर बच्चे को दूध पिला रही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनका दूध ज्यादा बनेगा और जो दूध ज्यादा हेल्दी होगा। आंखों की रोशनी तेज करने के लिए पैर के तलवे की मालिश बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमारे हाथ और पैरों में हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम अपने हाथों को जोर से ऐसे रब करते हैं, ये हमारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, इस गर्मी से आंखों को सेकते हैं तो हमें फायदा होगा। अगर पैर के तलवे की मालिश करते हैं और वो भी अगर मल्टी मेटल बर्तन से करते हैं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसका वीडियो में मैं बना चुकी हूँ और ये तीनों लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं और इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं, चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को तेज कर सकते हैं, और जब आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी तो सिर दर्द वगैरह जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और ये सारी चीजें तो ये फायदे अगर हमें छोटे छोटे काम करके मिल सकते हैं तो उठा लेने चाहिए। ये फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।